A very good afternoon, students. Hi, how are you? I hope you all are fine. I am Ritu Singh. Okay, now this is your second lecture in ABS. In first lesson, we discuss about our body parts, है ना? Body parts के बारे में हमने पढ़ा था. Now this is your second lecture, lesson number 2. Take out the page number 21 in your book, and topic is my family. What is the topic? My family. Okay. In this topic, we discuss in the 3 portions: types of families, pictorial graph, and caring for the family. Okay. I repeat. हम इस लेसन में 3 टॉपिक पढ़ेंगे. First topic is type of families. Families कितने type की होती? कितने प्रकार की होती हैं? Pictorial यानी कि आपका जो family tree है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. And last is caring for the family. यानी कि जो आप अपने फैमिली के साथ रहते हो उसकी केयर कैसे कर सकते हो, कैसे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो डियर चिल्ड्रन, ईच ऑफ अस हैज अ फैमिली. यानी कि हम सभी के पास क्या होता है बच्चों? एक फैमिली होती है. सम फैमिलीज आर बिग एंड सम फैमिलीज आर स्मॉल. यानी कुछ फैमिलीज कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं. बड़ी फैमिली मीन्स जॉइंट फैमिली. ज्वाइंट फैमिली कैसी होती है? ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिसे आप दादा दीजी कहते हैं, अंकल आंटी होती हैं, कजिन्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, स्मॉल फैमिली में सिर्फ आपके पेरेंट्स, कोई पेट या फिर आपके सिबलिंग्स होते हैं. ठीक, हम फैमिली की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होती है? आप कोई भी फेस्टिवल एंजॉय करो, किसी भी तरीके से आप कहीं पर जाओ, घूमने जा रहे हो, पिकनिक पर जा रहे हो, आप घर पे अकेले बैठे हुए हो, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? हमारी फैमिली होती है. अगर आपको कोई तकलीफ है तो सबसे पहले आपकी फैमिली आपके पास होगी, आपके पेरेंट्स आपके पास होंगे. और डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमारा इस समय क्रिटिकल सिचुएशन हमारी चल रही है, उसमें तो फैमिली आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर है. आप लोगों ने भी देखा है कि आप 3 महीने से कहाँ पर हो? घर पे हो, कहीं भी नहीं आना. ना किसी आप फ्रेंड से मिल सकते हो, ना आप स्कूल जा सकते हो, ना आप बाहर खेलने जा सकते हो, आपको घर के अंदर ही रहना है. लेकिन घर के अंदर भी आपने 3 महीने से अच्छा टाइम स्पेंड किया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर फैमिली. बिकॉज आपकी फैमिली के जो लोग हैं वो आपके साथ हमेशा प्यार से रहते हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फैमिली. मैं सबसे पहले आपके साथ टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में डिस्कस करूंगी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली. फर्स्ट टाइप न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज जॉइंट फैमिली. व्हाट इज द न्यूक्लियर फैमिली? इन अ 2, 3, 4 मेंबर्स इन अ फैमिली, जिसमें सिर्फ आपके पेरेंट्स, आप और आपके कोई ब्रदर सिस्टर हो, यानी कि छोटा परिवार. हिंदी में हम न्यूक्लियर फैमिली को कहते हैं छोटा परिवार, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें सिर्फ 2 से 4 मेंबर्स ही होते हैं. ओके, नाउ कम टू द जॉइंट फैमिली. व्हाट इज द जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली में हमारे दादा दादी, अंकल आंटी, बड़े मम्मी पापा, भाई बहन, मम्मी पापा और आपके जो डियर ब्रदर सिस्टर हैं, यानी कि कम से कम हमारी फैमिली में 5 से 6 या 7-8 लोगों का मेंबर्स होते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में डिफरेंस समझ में आया हो. आई रिपीट, न्यूक्लियर फैमिली इज स्मॉल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली इज बिग फैमिली. नाउ सेकेंड टॉपिक, पिक्टोरियल. व्हाट इज द पिक्टोरियल? इन पेज नंबर 26 लुक एट दिस फैमिली ग्राफ. है ना, फैमिली ट्री दिख रहा होगा आपको. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ईवीएस में पढ़ा है कि फैमिली ट्री कैसे मेंटेन करते हैं. तो जो फैमिली ट्री की प्रेजेंटेशन होती है, जो आप फैमिली ट्री अपनी कॉपी में बनाते हो, फिर उस पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने दादा दादी की पिक्चर पेस्ट करते हो, अपने पेरेंट्स की करते हो, अपने सिबलिंग्स की करते हो, कजिन्स की करते हो, अंकल आंटी की करते हो, तो इस पूरे फैमिली ट्री को हम कहते हैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. क्या कहते हैं? पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन. एंड व्हाट इज द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन? आपको आपकी फेयर कॉपी में ट्री मेंटेन करना है. ठीक है, आप ये फैमिली ट्री बनाते हैं. उस फैमिली ट्री में सबसे पहले कौन होते हैं? आपके ग्रैंड पेरेंट्स. तो ग्रैंड पेरेंट्स मींस आपके दादा दादी जी. इसके बाद पेरेंट्स, ठीक, पेरेंट्स, अंकल आंटी, चाहे वो बड़े मम्मी पापा हो या फिर चाचा चाची जी हो. ठीक है, ये भी आपके जॉइंट फैमिली में. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों
अगर आपका कोई रियल ब्रदर है और रियल सिस्टर है वो आपका सिबलिंग कहलाएगा, और जो आपके अंकल आंटी हैं, बड़े मम्मी पापा या काका काकी, उनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं आपके कजिन्स। क्या कहलाते हैं वो? कजिन्स। वो भी आपके ब्रदर सिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट होता है। जो रियल होते हैं, सगे होते हैं, उन्हें हम सिबलिंग कहते हैं, और जो चचेरे ममेरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कजिन्स। आई होप ये आपको पेट्रोलियम ग्राफ समझ में आया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, केयरिंग फॉर द फैमिलीज। ओके चिल्ड्रन, सब आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी फैमिली के साथ रहकर क्या क्या सीखते हैं। आप स्कूल आते हैं, स्कूल से पहले आपका पहला स्कूल कौन सा है? आपका खुद का घर। यानी कि हम अपने मैनर्स की, अपनी सभ्यता की शुरुआत अपने घर से करते हैं। आप अपने रिलीजन के बारे में जानते हो कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप कौन सा मैनर कर रहे हो, ये स्कूल के साथ साथ, सोसाइटी के साथ साथ आपकी फैमिली की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके जो बड़े हैं, आपके जितने भी एल्डर्स होते हैं, वो आपको ये सिखाते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा होता है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका धर्म कौन सा, आपकी भाषा कौन सी है, आपको कैसे दूसरों के प्रति व्यवहार करना चाहिए। ये सभी चीजें आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली से शुरुआत होती है स्टूडेंट्स। जैसे अब आप देखते हैं, आप घर पे इतने टाइम से हो, तो जब हम घर पे रहते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मा के साथ उनकी हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर के कुछ कामों में हेल्प करें। कोई अगर बड़ा आपसे कुछ कह रहा है कि बेटा ये लेकर आ जाना, घर का मेंबर, बाहर वालों की बात नहीं कर रही हो, जो घर के मेंबर्स होते हैं, अगर उन्होंने आपको कोई ऑर्डर करा कि बेटा ये काम करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये सब मैनर आपको कौन सिखाते हैं? फैमिली मेंबर्स सिखाते हैं, है ना। सो कैरिंग फॉर द फैमिली, फैमिली इज हैप्पी, ईट लिस्ट वन मील टुगेदर। यानी कि अगर आपकी फैमिली होगी तो आपको फैमिली के साथ कम से कम एक या दो समय का खाना साथ में खाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, यानी कि साथ में बैठ के जो बातचीत होती है वो अच्छे से होती है। सेकेंड, दे स्टे टुगेदर एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विद ईच अदर। जब भी मौका मिले डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें और एक दूसरे का समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहे। Sometimes they all go out for the walk together। जो अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं वो लोग अपने फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ सैर पर जाते हैं, सुबह शाम बाहर घूमने जाइए। All the family members help each other at home। His father helps his mother in the kitchen। है ना, एक दूसरे की मदद करते हैं। आपकी मम्मा ने आपसे कुछ कहा, आपके पापा ने आपसे कुछ कहा, तो उनकी हेल्प कीजिए। ओके, अपनी मम्मी की सब छोटे छोटे काम में, सपोज आप अपने कपड़े उठा के रखिए, अपने शूज लाइन से रखिए, आप अपना थोड़ा सा जो रूम है उसको क्लीन कर दीजिए। ये सब क्या होता है, कैरिंग ऑफ द फैमिली सिस्टम होते हैं। ये सब रूल्स होते हैं अपनी फैमिली के बीच में रहकर उनको केयर करने के। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। है ना, टाइप्स ऑफ फैमिली, देयर आर टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। विक्टोरियन रिप्रेजेंटेशन मींस द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हम ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, अंकल एंड को इन्वॉल्व करते हैं, उनके जो चाइल्ड होते हैं यानी कि जो हमारे कजिन्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स के चाइल्ड यानी कि आप खुद और आपके जो ब्रदर सिस्टर उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पूरा फैमिली ट्री। कैरिंग फॉर द फैमिली, कैरिंग ऑफ द फैमिली में हमने पढ़ा कि आपको अपने घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं उसमें आपके पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, थोड़ा बहुत टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताना चाहिए, खेलना चाहिए, उनसे घूमने जाना चाहिए, और अच्छे से अच्छी मेमोरीज को कंटेन करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। सो बी अ गुड विद योर फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।